बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। हाँ जी प्रभु जी। सर जी, मैं ये जानना चाहता था, जैसे ये कि यात्रा की तारीख आ जाएंगी और रजिस्ट्रेशन की भी जब तारीख आ जाएंगी, तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराना चाहिए या ऑफलाइन, जिसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो कि उसी टाइम जिस डेट की हमको चाहिए वो मिल जाए। देखिए सर, ऑफलाइन ज्यादा बढ़िया रहता है क्योंकि हाथ के हाथ आपको परमिट मिल जाता है। अच्छा जी। ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, अपना मेडिकल फोटो वगैरह, और वो जो वहाँ पे बैठे होते हैं चेक करने वाले, वो आईटी वाले बंदे बैठे होते हैं, उसमें से हर हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस अलग होता है। कुछ तो गलत को भी सही कर देते हैं और कुछ सही को भी गलत कर देते हैं, पिछली बार का जो मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो वहां से आप ये मानो कि अगर 100 फॉर्म डाउनलोड हुए हैं, अपलोड हुए हैं, तो 10% वहां से रिजेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, और वो टाइम भी ज्यादा लेंगे जब तक वो उनके हाथ में। पिछली बार की आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो 15-15 दिन, 20-20 दिन शाइन बोर्ड से बात की तो बोला अभी नया सिस्टम है, हमें समझ नहीं आ रहा है, बंदे रख रहे हैं। 15 दिन बाद वहां से रिजेक्ट हो जाता है। उस चक्कर में क्या होता है, 15 दिन बाद वहां से बाई चांस रिजेक्ट हुआ और तो हमारे पास बैंक का भी ऑप्शन नहीं बचेगा, या फिर पिछली बार कई यात्रियों ने ऐसा किया, बैंक से भी करवा लिए, वहां से करा लिए, तो सीटें खराब कर दी यात्रियों की। तो ज्यादा बढ़िया ये है कि अगर आपके यहाँ ऑप्शन है तो आप अपना ऑफलाइन करा लीजिए, अगर ऑनलाइन में आपकी स्टैंप वैम्प सब कुछ ठीक है, जैनुइन तरीके से आपने मेडिकल कराया है तो ऑनलाइन। लेकिन सर वो ये ना, रिजेक्ट हो गया तो आप किसे लड़ नहीं सकते, किसको बोलोगे आप? नहीं बिल्कुल, और हमारा ऐसा है कि जैसे ही तारीख आ जाएंगी, तो मान के चलिए अगर सैटरडे फ्राइडे सैटरडे का हमको यहाँ से निकलना है तो उसी डेट को ही चाहिए, जैसे हम वहां से करके फिर वापस भी आ सके। ऑफिस का थोड़ा रहता है ना कि छुट्टियों का। हाँ जी, तो कोशिश कीजिएगा आप ऑफलाइन करा लें, अगर नहीं मिलेगा ऑफलाइन तो ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा। ऑनलाइन में बस ये ध्यान रखिएगा डॉक्टर की स्टैंप वगैरह और डिटेल बिल्कुल सही होनी चाहिए। नहीं अगर, हाँ वो तो सही रखेंगे हम, बट अगर ऑफलाइन पहले पहले दिन ही चले जाएंगे तो चांसेस ज्यादा है ना मिल जाए। 100% है तो फिर हम पहले दिन मॉर्निंग में ही चले जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है जी जी, शुक्रिया सर। शुक्रिया, कोई बात नहीं है, भोलेनाथ जी का नाम जपिए और हमें भी जपने दीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। बाकी कोशिश कीजिए कि सारे यूट्यूब पे आप अपडेट देखते रहिए, उससे आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है जी सर। मैं आपका रेगुलर देखता ही हूँ और ये वाला मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम ये रिकॉर्डिंग डाल देंगे, बाकी भक्तों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब भी आप वीडियो देखें तो नीचे ओम नमः शिवाय या जय भोले बाबा जी की जरूर लिखें, ठीक है प्रभु जी? जी सर, जरूर जी। जय सर, और एक ये लास्ट ये जय जय बोले। हाँ जी, हाँ जी, ये था सर, ये जुलाई के एंड में वैसे आ जाता है ना रेगुलर हर बार ही। हाँ, जैसे 28-29 जुलाई को यात्रा शुरू हो जाती है। इस बार देखो, इस बार देखिए भोले बाबा जी की जो इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा लेट कर रहे हैं स्टैंड बोर्ड, वो देखते हैं। देखो बाबा जी देखते रहते हैं, भोलेनाथ जी है ना, देखते रहते हैं, सबकी सबकी चीजें देखते रहते हैं, कौन कैसे काम कर रहा है, फिर एक ही बार डमरू बजाते हैं फिर सबको अकल आ जाती है। हाँ वही बात है। हाँ, तो भोले बाबा जी देख रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही, हमारा तो कई बार डमरू बज गए, हमें समझ आ जाती है पहले ही कि बाबा जी भोलेनाथ हैं, वो इनकी भी हरकतें देख रहे हैं, कितने भक्त परेशान हो रहे हैं। अब शाइन बोर्ड को सोचना चाहिए कितने भक्त परेशान हो रहे हैं, कितने कितने परेशान हो रहे हैं, तो बाबा जी जब अपना डमरू बजाएंगे तो इनको समझ आ जाएगी फिर। हाँ वही बात है ना, कोई कई भक्त कहीं दूर गांव से आएंगे तो बस लेंगे, कोई ट्रेन लेंगे। बहुत परेशानी है भैया, बाबा के भक्तों को जो परेशान करेगा फिर आपको पता ही है फिर तो। जी बिल्कुल, ठीक है जी, चलिए इस माध्यम से दे रहा, उनको भी थोड़ा पता चले तो आगे कुछ सोचे। उनको तो बाबा जी, हाँ उनको पता खूब बता रहे हैं, हम तो हमने तो मेल भी किए सब कुछ किए, पर भोले बाबा बता ही देंगे किस दिन कि भक्तों को परेशान करना ठीक नहीं है, ठीक है जी। बिल्कुल जी जी, जय भोले, जय भोले बाबा जी।